हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लक्ष्य और आप देख रहे हैं मेनिया टेक हब। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल इंडस्ट्री के जो मार्केट शेयर चल रहा है, मार्केट टर्न हो रहा है, किस एंगल पे टर्न हो रहा है। एप्पल ने 7 प्लस लॉन्च किया था अपना, जो कि ड्यूल कैमरा फ़ोन था। बहुत कमाल स्पेक्स के साथ ये फ़ोन आता था, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले था पहला, और आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता था बूके शॉट्स के लिए। तब से ही ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, मल्टी कैमराज का ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि हवाई ने अपना P20 Pro लॉन्च किया, वो भी 3 कैमरा के साथ किया। अब जो रूमर चल रहे हैं वो सैमसंग और नोकिया के चल रहे हैं। सैमसंग ने अभी लेटेस्टली 4X टीज किया है और नोकिया का तो पैक पैनल भी लॉन्च हुआ है नोकिया 9 की तरफ से। आइए हम बात करते हैं नोकिया 9 के बारे में इसी वीडियो में आज। नोकिया का फ्लैगशिप फ़ोन अभी तक इंडिया में हमें देखने को नहीं मिला है। नोकिया ने लास्ट 2 साल से अपना टीज कर रहे हैं नोकिया 10, नोकिया 9, जो कि फ़िलहाल सबसे ज़्यादा रूमर में है और फ्लैगशिप में किंग लगता है कि सबसे ज़्यादा हो सकता है इस बार, क्योंकि एप्पल ने भी इस बार कुछ अच्छा काम नहीं किया है। प्राइस जो रखी है बहुत ज़्यादा हाई रखी है। इस बार शायद नोकिया अपना मार्केट बना सकता है, मार्केट शेयर, क्योंकि लोग भरे हुए हैं और नोकिया लोगों को फ़ोन चाहिए, तो फ्लैगशिप फ़ोन आपका नोकिया का ज़्यादा बिक सकता है। इसके रूमर्स हैं, इसका फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों लीक हुआ है। फ्रंट पैनल जो है आपको 6.2 इंच का एक फुल व्यू डिस्प्ले में मिलता है, जिसमें नॉच नहीं है, ऊपर की तरफ बेजल है और नीचे की तरफ हल्की सी चिन्ह है, जो कि नॉर्मल फुल व्यू डिस्प्ले होता है सैमसंग का, उस टाइप से। और इसमें आपको OLED पैनल मिल सकता है, क्योंकि एक फ्लैगशिप डेड फोन हो सकता है ये, जो कि एक कमाल स्पेक्स के साथ आता है। इसकी बैटरी जो ये रूमर्स है वो है 4150 mAh की बैटरी मिल जाती है आपको। और हम बात करें तो इसके कैमरा के रूमर्स, जो कि फ़िलहाल सबसे ज़्यादा हाईलाइट पे है। इसमें आपको 5 कैमराज मिलते हैं, 5, इतने कैमराज, जो कि बहुत कमाल की बात है हम कस्टमर्स के लिए, क्योंकि इन द एंड हमारा ही फ़ायदा होने वाला है। जो हम बड़े बड़े DSLRs ये सब लेके घूमते हैं, ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ोन ही हमारा पॉकेट में सारे काम करने वाला है। 5 कैमराज लगते हैं। इसके बारे में भी बात करते हैं, पहले और स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिलेगा, क्योंकि एक फ्लैगशिप ग्रेड फ़ोन होने वाला है। जो रूमर्स है वो है 845 मिल सकता है आपको इसके अंदर। इसके अंदर आपको सबसे अच्छी बात, हेडफोन जैक मिल सकता है, क्योंकि सब कंपनियों ने लगभग OnePlus 6T ने भी टीज़ किया है कि वो हेडफोन जैक हटा रहे हैं। पिक्सल पहले ही हटा चुका है, एप्पल और हटा चुका है। सबसे अच्छा नोकिया के पास प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि वो एक हेडफोन जैक दें, जो कि आज के टाइम में बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि हम पुराने हेडफोन्स को, ईयरफोन्स को अपने फ़ोन के साथ लगा सकें प्रॉपरली। तो आइए इसके मेन हाईलाइट पे बात करते हैं। कैमरा पीछे की तरफ आपको एक कैमरा जैसे लीक हुआ है, इसमें आप पैनल में देख सकते हैं कि पीछे की तरफ 5 कैमराज लीक हुए हैं और एक LED फ्लैश और एक खाली ब्लैंक, जो कि लुक के लिए है। 5 कैमराज तो किस लिए हो सकते हैं, आइए इसी के बारे में बात करते हैं। पहला प्राइमरी कैमरा हो सकता है 40 मेगापिक्सल का, क्योंकि अभी रिसेंटली HMD ग्लोबल्स ने माइक्रोसॉफ्ट से जो कैमरा राइट्स थे नोकिया के, जो प्रॉपर नोकिया के कैमरा राइट्स थे, जैसे कि नोकिया ने 41 मेगापिक्सल का कैमरा लॉन्च किया था, वो माइक्रोसॉफ्ट से फ्री कराए हैं अभी रिसेंटली लास्ट 1.5 महीने में। तो ये कमाल फ़ोन हो सकता है विद नोकिया के प्रीमियम कैमरा फोन्स में से, क्योंकि नोकिया के कैमराज काफ़ी ज़्यादा फेमस थे 12 मेगापिक्सल, 21 मेगापिक्सल, 41 मेगापिक्सल्स में। तो प्राइमरी कैमरा जो हो सकता है 40 मेगापिक्सल का एक सेंसर हो सकता है, जो एक नॉर्मल फोटो खींचने के काम आएगा। जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो होगा डेप्थ सेंसिंग के लिए, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा बूके शॉट्स, डेप्थ सेंसिंग या फिर पोर्ट्रेट शॉट्स आप बोल सकते हो, वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। जो तीसरा कैमरा हो सकता है वो है 4X ऑप्टिकल जूम, जो कि अब तक नहीं आया इन फोन्स में, क्योंकि हवाई में भी आपको 2X ऑप्टिकल जूम मिलता है, एप्पल में 2X, सब में आपको टेलीस्कोपिक लेंस 2X ऑप्टिकल जूम के लिए। तो आपने नोकिया ने इस बार एक स्पेशल टेलीस्कोप लेंस लगाया हो सकता है, जो कि 4X ऑप्टिकल जूम हो सकता है। फिर हम बात करें तो चौथे कैमरा की, जो कि एक ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ के लिए हो सकता है, जो कि जैसे कि हवाई का P20 Pro, जो कि लो लाइटिंग कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट कैमरा हो सकता है फोटोज़ को क्लिक करने के लिए। जो पांचवा कैमरा है वो हो सकता है आपका, जो पांचवा कैमरा है वो हो सकता है वाइड एंगल लेंस, जो कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट क्लोज से आप प्रॉपर इमेज ले सकते हैं, जो कि LG यूज़ करता था अपने फ़ोन्स में, पूरे के पूरे वाइड एंगल फ़ोटोज़ ले सकते हैं उसकी तरह, उससे तरह से। तो रूमर्स हैं कि ये 5 कैमरा हो सकते हैं। रूमर्स क्या, ये फ़ोन लगभग बाहर आने वाला है, बिकने के लिए तैयार है लगभग, और भी तैयार एक अच्छे फ्लैगशिप फ़ोन को लेने के लिए। तो देखते हैं नोकिया कब तक इस फ़ोन को लॉन्च करता है और कब तक हम तक पहुंचता है। अभी जो नोकिया से एक्सपेक्टेशन है बस वो है कि एक कमाल फ़ोन विद कमाल स्पेक्स, और बस प्राइस कमाल रखना। इंडिया भरपूर तरीके से खड़ा है ख़रीदने के लिए, कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी, क्योंकि एक फ्लैगशिप फ़ोन के लिए अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा जगह है, क्योंकि नोट 9 है कस्टमर्स के पास, जो कि काफ़ी महंगा है, 67,000 के आसपास। अभी पिक्सल भी आने वाला है, वो भी लगभग इतने ही प्राइस का होगा।
एक अगर 40-50 के रेंज में अगर एक अच्छा फ्लैगशिप फ़ोन इंडिया में लॉन्च करते हैं तो काफ़ी कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी, क्योंकि फ़ोन डेफिनेटली बहुत कमाल होने वाला है, नोकिया बहुत अच्छा काम कर रहा है क्योंकि, लेकिन जो प्राइस रखने वाला है नोकिया वो अच्छी होनी चाहिए और स्टॉक बहुत जल्दी आना चाहिए इस। थैंक यू। जैसे ही यहाँ फ़ोन पहुँचता है हम बात करेंगे इसी के बारे में, और जैसे कोई लीक्स आते हैं मैं आपको बताता हूँ इसी के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट ऑफ आवर चैनल। थैंक यू।